Use an extreme strong celebrity guards. You don't wanna get close to them. Adventure. दोस्तों, हर सेलिब्रिटी की जिंदगी में नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत जैसी तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जहां पर हर कोई इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज इतनी आसानी से नहीं होती है, क्योंकि जहां एक तरफ आपको इनकी ऐशो आराम भरी जिंदगी दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके पास दुश्मनों और हेटर्स की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ कई बार इनका आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी वजह से सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बॉडीगार्ड हमेशा मौजूद रहते हैं, जो किसी भी हाल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड बॉडीगार्ड का नाम बताएंगे और वो किस की रक्षा करते हैं, ये सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे। जस्टिन बीबर। हमने सोचा जब हम सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड्स की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले उस सेलिब्रिटी से शुरुआत करते हैं जो सभी के दिलों की धड़कन है। जी हाँ, अब जस्टिन बीबर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और कई लोग तो उसके बहुत बड़े फैन भी होंगे। अगर आप भी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताना, क्योंकि जस्टिन बीबर के आप ही के जैसे क्रेजी फैंस के लिए उनकी पूरी एक बॉडीगार्ड की टीम मौजूद है। पर उन सभी बॉडीगार्ड्स में से इनका एक बॉडीगार्ड जिसका नाम माइक आराना है, वो वाकई में काफी ज्यादा भयानक है, जो जस्टिन बीबर की सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो न सिर्फ शारीरिक रूप से खतरनाक है, बल्कि इनकी शूटिंग स्किल्स भी काफी शानदार है। वैसे जस्टिन बीबर के बॉडीगार्ड होने के साथ साथ इनकी खुद की भी एक अच्छी खासी पहचान है, जहां ये इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने डाइट और एक्सरसाइज के वीडियोज लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। फ्लॉयड मेवेदर। दोस्तों, अब आप इस प्रोफेशनल बॉक्सर से मिलिए, जहां ये कई बार फाइटर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुके हैं। उसके साथ ही साथ ये ओलंपिक्स में भी अपनी बॉक्सिंग से तहलका मचा चुके हैं, इसीलिए तो ये दुनिया के हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि भला इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत, ये खुद ही लोगों को धूल चटाने के लिए काफी है। तो यहाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप चाहे जितने बड़े फाइटर क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को वक्त आने पर दूसरों से मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि आप हर समय चौकन्ने नहीं रह सकते और उसी का फायदा उठाकर लोग सेलिब्रिटीज को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन्हीं सब कारणों की वजह से 173 सेंटीमीटर की हाइट वाले फ्लॉयड मेवेदर के बॉडीगार्ड इतने बड़े हैं कि ये आराम से उनके पीछे छुप सकते हैं और वो हर समय इनको प्रोटेक्ट करने के लिए चौकन्ने रहते हैं, ताकि कोई भी इस इंटरनेशनल बॉक्सर पर उंगली तक न उठा सके। सलमान खान। अगर आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं और हमारे सल्लू मियां के फैन हैं, तब तो आपको इनके बॉडीगार्ड शेरा के बारे में पता होगा, क्योंकि सलमान खान अपने आसपास मौजूद हर एक शख्स को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों की लिस्ट में इन्होंने शेरा को भी पीछे नहीं छोड़ा, जहां ये अपने बॉडीगार्ड शेरा को हमेशा लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और तो और, खुद शेरा का कहना है कि सलमान खान उन्हें अपने फैमिली मेंबर जैसा समझते हैं। वैसे दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाले हैं। क्या आपको ये चीज सही लगती है, या फिर आप इसे नेपोटिज्म के तराजू में तौल कर देखते हैं? खैर, आपका जो कुछ भी जवाब हो हमें कमेंट करके जरूर बता देना। ड्रेक। दोस्तों, ड्रेक ऐसे प्रोफेशनल रैपर हैं जो अपनी सिक्योरिटी को हमेशा से सीरियसली लेते हैं, खास करके तब से जब 2012 में इनका अमेरिकन सिंगर चिरिस ब्राउन के साथ दंगा हो गया था, जहां पर इन दोनों में काफी हाथापाई हुई और दोनों को चोट भी आई। उसी के बाद से इन्हें यकीन हो गया कि क्यों सेलिब्रिटीज को न सिर्फ अपने फैंस और हेटर्स से बचने के लिए बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं, बल्कि उन्हें खुद को भी काबू में रखने के लिए लोग चाहिए होते हैं। इसी वजह से अब इनके पास दो बहुत ही विशालकाय साइज के बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई अगर इनके पास गया तो वो इसका कचूंबर बना देंगे। लेडी गागा एंड एडिले। दोस्तों, कई बार कई सारे सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड्स उनकी रक्षा करने की जगह खुद ही लाइमलाइट में आना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ बॉडीगार्ड ऐसे होते हैं जो अपने शानदार लुक्स और फिजिक के चक्कर में खुद ब खुद ही लोगों के पसंदीदा हो जाते हैं। अब जैसे कि आप पीटर को ही देख लीजिए, जहां बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मिस्टर यूरोप 2005 का खिताब जीतने के बाद इन्होंने अपनी पुलिस की जॉब छोड़ दी। जी हाँ, ये पहले पुलिस का काम करते थे। हाँ, इन्होंने पुलिस की जॉब तो छोड़ दी, लेकिन इन्होंने अपने काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसी वजह से इन्होंने लेडी गागा के बॉडीगार्ड के रूप में काम करना शुरू किया, जहां लोग लेडी गागा के फैन तो हो ही गए थे, साथ ही साथ इनकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और बढ़ेगी भी क्यों नहीं, इनके लुक्स हैं ही इतने शानदार। पर पता नहीं क्यों बाद में इन्होंने लेडी गागा के साथ काम करना छोड़ दिया और अब ये एडिले जो कि एक सिंगर है उनके बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं, जहां अभी भी लड़कियां इनकी इस शानदार पर्सनैलिटी और लुक्स को देखकर दीवानी हो जाती हैं। स्नूप डॉग। अब दोस्तों, चलिए इस अमेरिकन रैपर के बॉडीगार्ड्स पर अपनी नजर डालते हैं।
क्योंकि स्नूप डॉग एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शौकिया तौर पर बॉडीगार्ड्स नहीं रखे बल्कि इन्हें इनकी काफी ज्यादा जरूरत भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कई बार इन पर हमले हो चुके हैं, वो भी जानलेवा। जैसे कि आप 2003 का किस्सा ले लीजिए जहाँ पर इनके ऊपर भयानक रूप से फायरिंग हुई थी, वो भी तब जब इनके इर्द गिर्द इनके कई सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब ये अकेले होते होंगे तो इन्हें कितना ज्यादा खतरा होता होगा। इसी वजह से अब तो ये कहीं भी जाते हैं तो घर से मोबाइल फोन और ब्रेकफास्ट करना भूल सकते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स को साथ लेना नहीं। डेनियल रैडक्लिफ। जी हाँ दोस्तों, आपके प्यारे हैरी पॉटर को भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि असल जिंदगी में इनके पास जादू की छड़ी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ऐसे में जब से इनकी पिछली मूवीज चलने लगी है, इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लोग इन्हें सिर्फ हैरी पॉटर के रूप में देखना पसंद करते हैं। इसी वजह से अब जब इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इन्हें अपने प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, और इसी वजह से इनके बॉडीगार्ड सैम हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। हालांकि हैरी पॉटर स्टारर डेनियल के बॉडीगार्ड के नाम के अलावा इंटरनेट हमें ज्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन अगर हम वीडियोस वगैरह में इन्हें देखें तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिखते हैं। तो दीपिका पादुकोण। चलिए दोस्तों, अब हम बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों की धड़कनों पर राज करने वाली दीपिका पादुकोण के बॉडीगार्ड की बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि दीपिका अपने बॉडीगार्ड के बिना कहीं भी नहीं जाती है। जैन के बॉडीगार्ड जिनका नाम जलाल है, वो दीपिका को अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं, और ये लोग इस भाई बहन के रिश्ते को न सिर्फ मानते हैं बल्कि निभाते भी हैं, क्योंकि हर रक्षाबंधन में दीपिका अपने बॉडीगार्ड जलाल को राखी बांधती हैं, और ठीक इसी तरह एक बड़े भाई होने के नाते जलाल हर समय आपको दीपिका के आजू बाजू दिख जाएंगे। बियॉन्से। दोस्तों आजकल ये अमेरिकन सिंगर हमारे इंडिया में काफी ज्यादा छाई हुई है, जहां ये अमेरिका के टॉप मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स में से एक है, और इसी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है जब पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो हेटर्स भी तो होंगे, और इन्हीं सबको मैनेज करने के लिए इनके पास अपना एक पर्सनल बॉडीगार्ड है जो आपको अक्सर इनके साथ कई सारे इवेंट वगैरह में देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो हम आपको बता दें, इनके बॉडीगार्ड जूलियस है जो हर समय बियॉन्से को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ रहते हैं। हालांकि इनके पास बाकी बॉडीगार्ड्स भी मौजूद है, लेकिन उन सभी बॉडीगार्ड्स को गाइड करने का काम जूलियस ही का होता है और ये काफी समय से बियॉन्से की सिक्योरिटी का जिम्मा लिए हुए हैं। शाहरुख खान। दोस्तों हमारे बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को तो सभी जानते हैं, पर क्या आप शाहरुख खान के बॉडीगार्ड को जानते हैं? हाँ, माना कि ये सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा जितने पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें इनकी बॉडीगार्ड रवि सिंह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पेड बॉडीगार्ड है, जिनकी सैलरी 2.5 करोड़ से ऊपर है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है जब शाहरुख खान माफ कीजिएगा किंग खान लोगों के दिलों पर राज करते हैं तो उन्हें हमेशा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेने वाले शख्स को इतना पैसा तो मिलना बनता है। क्यों दोस्तों, सही कहा हमने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड से मिलकर काफी खुशी हुई होगी। अगर हाँ तो इन सभी सेलिब्रिटीज में आपको किसका बॉडीगार्ड सबसे ज्यादा पसंद आया उसका नाम हमें कमेंट में जरूर लिख देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।